मुझे तो लगता है विराट भाई ने मीठा खाना इसलिए छोड़ा है क्योंकि उन्हें सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिलता है, डाइट तो बस एक बहाना है। तो आप सभी के लिए स्टूडियो के अंदर दो बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आया, क्योंकि कैरी मिनाटी को देना पड़ा सफाई, क्योंकि विराट कोहली के फैन आरसीबी के फैन ने जम के गाली दी, जम के हेड दिया, जिसकी वजह से खुद सामने से आके कैरी मिनाटी को सफाई देना पड़ा। अपने स्टूडियो के अंदर उन्होंने क्या बोला मैं आपको बताता हूं, और कौन से वीडियो की वजह से ये सारी चीज हुई वो भी बताने वाला, अलग मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो के अंदर बताया था। और उसी के साथ एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं मुन्नार फारूकी की, जो आप सभी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस तरह की अपडेट आते रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन दूं कैरी मिनाटी को, कैरी मिनाटी को सफाई देना पड़ा आरसीबी के फैन को और विराट कोहली के फैन को, क्योंकि कैरी मिनाटी ने कुछ ऐसी एड के अंदर कुछ ऐसी बातें कर दी थी जिसकी वजह से उनको जम के हेट मिल रहा था। तो मैं आपको सबसे पहले उस वीडियो का छोटा सा पार्ट दिखाता हूं, उसके बाद कैरी मिनाटी ने किस सफाई दी, आप सबसे पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सभी को बताने वाला हूं। मुझे तो लगता है विराट भाई ने मीठा खाना इसलिए छोड़ा है क्योंकि उन्हें सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिलता है, डाइट तो बस एक बहाना है। रोहित भाई को ही देख लो भाई, आदमी जब जीतता है ना तो उसे डाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सुन रहा है ना विराट? जैसा कि आपने छोटा सा वीडियो देख लिया हूं, हालांकि कैरी मिनाटी ने बहुत सारी चीजें बोली, मैंने आपको शॉर्टकट में थोड़ी सी चीज बताई किस तरह से विराट कोहली को और आरसीबी को बोलते हुए नजर आ रहे। तो इसी पर जम के हेट मिल रहा था कैरी मिनाटी को, लोग जम के गालियां दे रहे थे, आरसीबी जितने फैन है उनके प्रोफाइल में आके उल्टा सीधा बोल रहे थे। लेकिन अब कैरी मिनाटी ने इसकी सफाई देते हुए कुछ बोला है, मैं आपको सबसे पहले उनका पढ़ के सुनाता हूं, जो कि आपको साइड में दिख रहा हूं। कैरी मिनाटी ने अपने इंस्टाग्राम पे वाली स्टोरी डाली जहां पे लिखा कि मैं अभी ट्विटर चेक किया, थोड़ी गलत फहमी हो गई, मैं एक शो कर रहा हूँ उसमें एक सीक्रेट है जिसमें लोग गुस्सा हो रहे हैं, कहानी में समझाने के लिए कृपया पूरा सीक्रेट देखें, असल ज़िंदगी में मैं विराट कोहली का भाई और अंदर क्यों करूँगा, मतलब मैं ये सारी चीज़ें क्यों करूँगा, मैं तो विराट कोहली का भाई हूँ, मैं उन्हें बहुत बड़ा मानता हूँ, ये एक नौटंकी है, इसका अंदर करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब इसके अंदर जो तुम कर रहे हो इसमें कोई करने का मतलब नहीं है, हम ऐसे किरदार निभा रहे हैं जिसमें आरसीबी के फैन की नकल कर रहा हो उसे ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ नौटंकी है। और उसी के साथ लिखा कि उन्हीं उस नाटक से उनके प्रशासन होने की मेरी एक क्लिप है, मतलब मैंने जो नाटक कर रहा हूँ वो विराट कोहली के फैंस की तरफ से कर रहा हूँ, आरसीबी के फैन मतलब मैं बना उसके अंदर। और उसी के साथ लिखा है कि बाकी आप लोगों की मर्जी, आप दर्शकों, मैं आपसे जीत नहीं सकता, आप जनता हो, मैं आपसे कभी जीत नहीं सकता, ये वाली लाइनिंग लिखी। और ये बोला कि भाई मेरे दिल से नहीं, मैं विराट कोहली का फैन हूं, बस मैं एक ऐड कर रहा हूं जिसके अंदर आरसीबी के फैन की नकल कर रहा हूं, मेरा इसके अंदर कुछ नहीं, इतने पर आप जनता है, आपकी मर्जी है। तो ये वाला रिप्ले दिया, ये वाला उन्होंने क्या बोला सफाई दी कैरी मिनाटी ने। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए जो कैरी मिनाटी ने ऐड की सही की गलत की, और जो लोग हेट करे सही है गलत है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये तो थी पहली इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसमें दूसरी इन्फॉर्मेशन डाल लीजिए मुन्नार फारूकी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता हो जब से बिग बॉस खत्म हुआ, जब से मुन्नार फारूकी बिल्कुल भी खाली नहीं है, मतलब लगातार काम कर रहे, कभी कोई शो के अंदर जा रहे, कभी सॉन्ग कर रहे, कभी कुछ कर रहे। और इसी के साथ अब उनका न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है कुबरा के साथ, जैसा कि आपको साइड में वीडियो दिख ही रहूंगा जहां पे वो एयरपोर्ट पे मस्ती करते हुए नजर आए, और इनका कुछ ना कुछ आ सकता है, शायद म्यूजिक वीडियो आए, चाहे कोई वेब सीरीज में आए, कुछ ना कुछ तो इनका जरूर आ सकता है, जहां पे मुन्नार फारूकी ने अपनी स्टोरी के अंदर बताया। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए मुन्नार फारूकी और कुबरा के आप न्यू प्रोजेक्ट के लिए कितना वेट कर रहे, कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए।